दोस्तों बहुत ही खतरनाक जगह पर ये घुसा हुआ है स्नेक। अच्छा फिनाइल कब दिए थे इसको? मोटाई नहीं संतोष, तो दबाना है इसको, उंगली इसको दबाना, जोर से उंगली दबा। बस वैसे ही वहीं पे रखिए, वैसे उतने पर रखिए, उतने पर रखिए, नहीं रखिए। आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश है, मौसम आ गया है अब थोड़ा सा ठंड का, जब भी निकले तो कम से कम घर से जो है सो गर्म कपड़ा लेके निकले, हो सकता है कहीं रात हो जाए तो। अभी आते समय ही मौसम जब आता है ना शुरुआत में ही लोग को ठंड लगती है, इसलिए गर्म कपड़ा लेके निकले। और आइए वीडियो को जो है सो कहाँ पे हो वो बड़का चीज है, छोटा है या बड़ा है वो? छोटा है बड़ा सर। अच्छा जा छोटा है ना। अरे भाई बड़ा कचरा वाला जगह पर है। अच्छा फिनाइल मार दिए थे कि वो फिनाइल कब मारे हैं? ये फिनाइल कब मारे इसमें? कब मारे थे? कब फिनाइल का यूज कब किए थे? दोस्तों बहुत ही खतरनाक जगह पर ये घुसा हुआ है स्नेक। अच्छा फिनाइल कब दिए थे इसको? इसको जो है सर ठीक से पानी है ना आंगन में? हाँ हाँ हाँ। चलिए चलिए धो देते हैं तनी, नहीं तो ये मर जाए। नहीं फिनाइल आराम से। पानी है ना यहाँ पे? पानी है, हाँ है पानी है। नहीं समझे फिनाइल, हल्ला नहीं कीजिए तो आप लोग, हल्ला नहीं कीजिए दोस्त। फिनाइल कब मारे थे इसमें? तनी पानी डोल में चला एक एक। हाँ तो साइड हो जा, साइड हो जा। है बहुत ही पुराना, समझ गए हैं आप लोग। फिनाइल जो मारे है ना ये थोड़ा सा ये हो गया होगा सर। साबुन है लाइए, ये है इसमें देखिए। इन फिनाइल हो गया ना तो इस सबसे जो है इन सबको एलर्जी है, समझ गए हैं, एलर्जी है, थोड़ा सा सुस्त हो गया होगा उसमें, और इसको जो है सो छुपने का वहाँ पे जगह मिल रहा था, समझ गए। और ये काफी दिनों से भूखा है लग रहा है, समझ गए कि नहीं, ये थोड़ा सा जो है सो भूखा लग रहा है, इसको खाना सही से मिला नहीं, काफी दिन से जो है ये कहीं फंसा होगा। यह बड़ा साइज का मगर इसका जो है सो देख रहे हैं मोटाई नहीं, मोटाई नहीं है इसमें, मोटा नहीं है सांप। संतोष दबाना है इसको, उंगली इसको दबाना, जोर से उंगली दबा। अरे भाई 20 ml का सिरिंज जल्दी लाइए, जल्दी लाइएगा, 10 होगा या 20 होगा जल्दी लाइए, मगर जल्दी में डब्बा लाओ ना भाई, डब्बा लाओ ना। थोड़ा सा लगा है दांत, गड़ गया है। हाँ गड़ गया दांत इधर, यहाँ 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 पे लाइए, डब्बा लाइए तनी जल्दी, खाली कीजिए उसको। अरे छेद करिए। अच्छा छेद करते रहिएगा। अच्छा इस सांप का जो है सपेरा का सांप तो नहीं है, एक लकड़ी दीजिएगा, लकड़ी झाड़ू नहीं सपेरा का नहीं है, लटा हुआ है काफी सारा।
लाइएगा सिरिंच लाए बैग लेके कहीं भी निकला करो तो बैग लेके निकला करो यार सो उसमें सब कुछ रहते हैं रखे हुए रहते हैं कब क्या हो जाए जानते हो ना ढक्कन कहाँ गया अरे ढक्कन लाइए ना दूसरा हो लाइए बड़ा डब्बा लाइए तनी जल्दी में कुछ यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक लगा है ना आई में कहाँ तू लाए वो सिरिंज मंगाए सिरिंज ला 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 दुकान में लीजिए सिरिंज खून निकालना पड़ेगा सर हाँ काटने वाला दूसरा चीज लाइए तो जल्दी हंसू वाला ये ना हंसू लाइए ना कुछ लाइए हंसू लाइए पूरा दाव हमको मुजफ्फरपुर जाना ही होगा और ठीक है लीजिए ये ढक पाँच एम एल का है सिरिंज पाँच एम एल वाला तो उनका थोड़ा टाइट मिला लीजिए टाइट पर बढ़िया सानी सानी तो बढ़िया से तो सुटाइए और घीचिए तो घीचिए पकड़ा था घीच निकल जाए करते बस वैसे वहीं पे रखिए उतने पे रखिए नहीं रखिए इसे दवाइयाँ ले रही है तब किसी डेटोल होगा ना तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं उस समय सिरिंज की सहायता से जो है ब्लड जो है सो मतलब बाहर में उसका विष जो है सो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है सो मुझे हॉस्पिटल भी ना जाना पड़े या अगर ये दूर भी टाइम भी लग जाएगा ना तो मुझे कुछ होगा नहीं इसीलिए जो है सो ऐसा करके आप लोग भी ब्लड अगर ये प्रक्रिया आप एक से दो मिनट के अंदर अगर ऐसा करते हैं तो उसका वेनम जो होता है विष वो अंदर नहीं जाएगा और दूसरा जो बचाव का तरीका है दोस्तों ये देख रहे हैं ये जो गमछा है उस समय जो मिल जाए साड़ी मिल जाए गमछा मिल जाए ये टाइट नहीं एकदम जो है ना सो हल्का जिस प्रकार गर्म पट्टी लपेटा जाता है उस प्रकार जो है सो लपेटते हुए जहाँ तक हो सके जितना दूर तक आप इसे लपेटना चाहें उसे उतना दूर तक लपेट करके और सही से मतलब बांध लीजिए जोर से टाइट करके नहीं बांधना है इस चीज़ को ऐसा करने से जो है सो ब्लड भी आपका सर्कुलेशन चलता रहेगा और जिस भाग में का जिस हाथ में काटा है उसका यूज भी हमें नहीं करना है ज़्यादा यूज हमें नहीं करना है इसी तरह करके जो है सो ये बचाव का तरीका है दोस्तों और आप लोगों को अगर किसी अगर इस प्रकार का अगर सांप अगर बाइट करे तो ऐसा करके इंसान को बचाया जा सकता है या बच सकते हैं तो ऐसा करके और हम जो है सो हॉस्पिटल के लिए जो है सो थोड़ी देर में निकल जाएंगे।
हॉस्पिटल में भी आप लोगों को भी हम सलाह देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी जो है सो एंटीवेनम मिलता है और यहाँ पर भी सही इलाज होता है। आप लोग प्राइवेट में भागते हैं ऐसा ना किया कीजिए।